हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ एजुकेशन पर। आइए, आज हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यम यस यम ई के लिए ऐप आधारित इनवाई फाइनेंसिंग ऋण मंच GST सहायक लॉन्च किया है? ये किया है सिडबी। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन भारतीय अमेरिकी महिला का नाम क्या है जिन्हें 2023 का व्हाइट हाउस फेलो दिया गया है? तो ये दिया गया है कमल मेघराजानी को। ऑप्शन यहाँ से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डे आई बिकम ए रनर के लेखक कौन हैं? तो यह है सोहनी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में यूपी निम्नलिखित में से किस प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का। ऑप्शन यहाँ से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किसके शोधकर्ताओं ने पारंपरिक सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए पावर स्विच विकसित किया है? तो यह किया है IISc बेंगलुरु ने किया है। ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नूर 3 उपग्रह हाल ही में समाचार में देखा गया, यह किस देश का है? तो यह ईरान देश का है। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार को दूसरा बाघ अभयारण्य मिलेगा? तो यह मिलेगा कैमूर को। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ सहयोग किया है? तो यह किया है HP कंपनी ने। ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा।